तो गाइज मैं कंपनी गार्डन से निकल चुका हूँ, अभी जा रहा हूँ मैं मौसी फॉल्स में, और जो कि यहाँ से 9.5 किलोमीटर दूर पड़ेगा, आधा घंटा दिखा रहा है गूगल मैप्स में, लेकिन और अभी टाइम हो रहा है 3:30, तो शाम तक देखते शेखर फॉल्स भी होके आ जाऊंगा, फिर कल जो है मसूर के जो आसपास की जगह वो पैदल घूम लूंगा मैं। गाइज मौसी फॉल्स के लिए मैं जा रहा हूँ, अभी मैंने कैप पहन लिया क्योंकि ठंड बढ़ चुकी है, शाम के 4 बज रहे हैं और ठंड एकदम ही बढ़ गई कैंपटी फॉल्स से निकलने के बाद। अभी पेट्रोल जब मैंने 200 का डलवाया था पेट्रोल, तो 4 डंडे इसके थे, 4 डंडी मतलब 4 वो 5 होते हैं ना, 5% आ रहे हैं, 5 डंडियाँ लगी होती है ब्लैक, तो उसमें से 4 भर गई थी, मतलब 4 दिखा रही थी जब मैंने भरवाया था, अभी 3 हुई है, सिर्फ 3 हो गई, अब 1 कम हो गया। तो गाइस मैं चंबा वाले रोड पे आ चुका हूँ, ये बिल्कुल खाली है यहाँ पे, इस रोड पे ज़्यादा वो नहीं, ये देखो सुरंग भी है यहाँ पर, मतलब वो सुरंग नहीं, हाँ वही एक चीज़ मान लो, मस्त लोकेशन है एकदम, ऐसे ही रोड चाहिए एकदम, ज़्यादा वो ना है गाड़ियाँ वगैरह। आप सोच रहे होगे कि इसने हेलमेट क्यों नहीं पहन रखा, गाइस हेलमेट जो है उसमें ना जो नॉक है वो ख़राब है, मतलब ढीला सा हेलमेट है ऐसी है बिना शीशे वगैरह का, तो वो ना चलते वक्त जब खट्टे आते हैं ना तो वो मतलब निकलने को हो जाता है, तो इसलिए मैंने अंदर रखा हुआ, निकल के गिर जाएगा फायदा नहीं है कुछ। मैंने उससे बोला था कि मेरे को दूसरा हेलमेट दे दे, उसके पास 3 हेलमेट थे और तीनों ऐसे ही थे बेकार से, तो जो सब बढ़िया सा लग रहा था वो लिया मैंने, लेकिन इसकी भी नोट ऐसी मिली मेरे को। तो मौसी फॉल्स के लिए ढलान स्टार्ट हो चुकी है, वो जो मेन रोड था चंबा वाला उससे ही एक छोटा सा कट जा रहा था, नीचे की तरफ जा रहा है, बहुत सीधी ढलान है, ब्रेक्स का इस्तेमाल होएगा इसमें, बिल हिल बर्ड स्कूल। वाह यार क्या मस्त प्लेस है, तो गाइस बिल्कुल सीधी वो है ढलान है बिल्कुल सीधी, दोनों ब्रेक्स मारनी पड़ रही, तब चल जाके थोड़ी स्पीड कम हो रही है। ओ भाई साहब अबे रोड है क्या है भाई, एक भी गाड़ी नहीं है यहाँ पर। तो फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूँ मौसी फॉल्स, और यहाँ पे एक भी बंदा नहीं है, एक भी बंदा नहीं है मतलब, और यहाँ मंदिर भी है शिव मंदिर, मेरे को ऐसी प्लेस पे ही आना था जहाँ पे कोई ना हो, मतलब ऐसी जगह दिखाऊं कि कैंपटी फॉल और ये जितने भी जो जो लोग जानते हैं उसके अलावा भी है यहाँ पे फॉल्स, वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो गाइस मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था कि मौसी फॉल्स कौन सा है, ये एक्चुअली यहीं पर है मौसी फॉल्स, और मैंने यहाँ पर वो लगा दी अपनी स्कूटी, पहले भी यहीं लगी हुई थी, तो मैंने सोचा नीचे की तरफ है, तो मैं वहाँ देखने गया तो वहाँ एक लड़की थी छोटी सी, उससे पूछा मैंने, वो कह रही यही है, तो फिर मैं दोबारा आया यहाँ पे लगा दी, और ये बोर्ड मैंने पढ़ा नहीं था पहले, तो ये लिखा हुआ है मौसी फॉल मसूरी आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत करता है। तो यहाँ पे जो है ये कचरा वगैरह थोड़ा है, मेरे को ऐसा लग रहा है ये यहाँ पे मंदिर है, तो इन्होंने कुछ करवाया होगा हवन वगैरह, तो यहाँ लोग आए होंगे तो उन्होंने खा के पत्तल यहीं फेंक दिए। और यहाँ पर भी ये देखो भाई नाला ही कह लो इसको, तो पानी तो साफ लग रहा है लेकिन
ये है वो मौसी फॉल्स। तो मैं आ चुका हूँ मौसी फॉल, फाइनली यहाँ पर आ चुका हूँ मैं। ये गूगल मैप्स भी दिखा रहा था, पानी तो मेरे को साफ लग रहा है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। देखो मैं ना अंदर जाना नहीं चाह रहा क्योंकि मैंने जूते पहने हुए हैं, जूते गीले हो जाएंगे फिर वही दिक्कत आ जाएगी, छाले वाले हो जाएंगे, दिमाग खराब। इसलिए अब मैं क्या करूँ यार, अंदर जाके शेखर फॉल चलते हैं, वो इससे बढ़िया है। शेखर फॉल दिखाते हैं। तो गाइस मैं ना मौसी फॉल से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ वापसी, और यहाँ पे व्यू देखो आप, जो पेड़ है ना उनके पत्ते क्या चमकते हैं इसमें सनलाइट में, बहुत मस्त लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे तो हीरे लगे हो पेड़ों में। ये देखो गाइज, नीचे उतरने से आसान ऊपर चढ़ना होता है, क्योंकि नीचे जाते वक्त ब्रेक दबानी पड़ती है जिससे कि फिसलने का डर रहता है, ऊपर जाते वक्त हमें रेस दे के रखनी, मतलब रेस देनी पड़ती है, तो उसमें हमारा कोई वो नहीं होता, बस स्कूटी को ही जोर लगाना पड़ता है ऊपर चढ़ते वक्त। तो ज़्यादा इसमें जोर तो नहीं पड़ रहा, सही चल रही है, ऊपर चढ़ जा रही है, हल्का हुल्का तो जोर लगेगा ही, सीधी चढ़ाई है। जा रहा हूँ शेखर, यहाँ पर आप बैठ भी सकते हो लोकेशन देखने के लिए। देखो ये यहाँ से आपको पूरा मसूरी दिखेगा, पूरा मसूरी दिख रहा है। और ये है, ये देखो यहाँ पे ये कुछ कॉलेज वगैरह कुछ बना हुआ है, जॉर्जेस कॉलेज मसूरी। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूं शिखर फॉल्स, मैंने स्कूटी पार्क कर दी है, अब पहुंच सकते हैं। ये एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पे कुछ भी चाय, ये पराठा कैफे, रिवर साइड रेस्टोरेंट। तो यहाँ से पतला सा रास्ता जाता है शिखर फॉल के लिए, मतलब ऐसे पैदल पतला सा रास्ता जाता है, कच्चा रास्ता, वहाँ पे बाइक वाइक नहीं जाती, पर यहाँ ना ज़्यादा लोग भी मतलब कम ही लोग मेरे को दिख रहे हैं, नहीं तो वहाँ जैसे कैंपटी फॉल है, कैंपटी फॉल में बहुत सारे लोग थे कोई नहा रहा था तो कोई बहुत मस्ती कर रहा था गर्लफ्रेंड के साथ। और चलो आगे चलते, और क्या ही कहूँ। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ शिखर फॉल, यहाँ पर एक छोटी सी वो है स्टोर,
और अभी चलते देखते कैसा फॉल मेरे से जैसे आपको दिखाई दिया। तो ये पत्थर के ऊपर से जाना पड़ेगा। ये कूद गए और ये इधर ऐसे चलते हैं। चढ़ गए। तो मैं पहुंच चुका हूँ शिखर फॉल। ये रहा है शिखर फॉल। तो ठीक ठाक है, ज़्यादा भाव इसका मतलब पानी ज़्यादा नहीं बह रहा है, शायद सीज़न का कुछ प्रॉब्लम होगा, मतलब सीज़न के हिसाब से होता है यहाँ पर। मैंने सुना है कि जब बर्फ़ पड़ती है तो वो पिघलती है, उसके बाद आने के में फ़ायदा रहता है यहाँ पर, उस तब इसका पानी का भाव ज़्यादा रहता है। ये देखो मतलब पानी कितना साफ़ है वो देख सकते हो, ज़्यादा साफ़ भी नहीं है, पैकेट वगैरह पड़े हैं। पत्ते तो चलो कोई नहीं, लेकिन ये जो पैकेट्स है इनसे ये तो हर जगह, ये मतलब जहाँ पे इंसान जाएगा वहाँ पर तो गंदगी होएगी। ये देखो कितना कचरा है। और मैंने इसकी गूगल मैप्स पे देखा था, इसकी फ़ोटो लगी थी जहाँ पे यहाँ पे ये बीच में ना वो लगा होता, बेंच लगा होता, लेकिन अभी वो मैं आके देखा तो यहाँ पे बेंच नहीं है। इस बड़े से पत्थर पे चढ़ते हैं। तो फाइनली आ चुके हैं शिखर फॉल। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो पीछे सिर्फ एक ही फैमिली है, ज़्यादा लोग नहीं आते यहाँ पे, इस लोकेशन के बारे में ज़्यादा किसको पता नहीं है, और मैंने भी गूगल मैप्स के थ्रू इसका पता तो लगाया मेरे को। वैसे ये मसूरी से बहुत दूर है, मतलब 32 किलोमीटर नीचे की तरफ है, देहरादून के पास है, जहाँ से बस ऊपर चढ़ना स्टार्ट होती है वहीं पर ये एक कट जाता है इस तरफ को, वो बस तो ऐसे ऊपर की तरफ मुड़ जाएगी, लेकिन एक सामने की तरफ कट जाता है वहाँ पर, वहाँ से सीधा ये यहीं आता है गोरख। देखो गंदगी, ये कचरा, दारू पी गए यहीं फेंक दी बोतल। अगर कहीं भी चले जाओ ऐसी लोकेशन तो कचरा मिलेगा ही मिलेगा भाई। तो गाइस अभी रात होने वाली है, मेरे को वापस मसूरी के लिए निकलना है जल्दी से जल्दी। आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अब कल की वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय।